गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड फिनिश्ड फर्स्ट टॉपिक ऑफ़ फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन वी हैव फिनिश्ड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक नेम्ड रेस्पिरेशन आज से हम लाइफ प्रोसेसेस में एक दूसरी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स आपको पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस के बाद फूड एब्जॉर्ब हुआ था और फूड एब्ज़ॉर्ब होने के बाद बॉडी में एसिमुलेट हुआ था एसिमुलेशन की मीनिंग मैंने आपको बताई थी कि बॉडी में जो डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो एनर्जी रिलीज़ करता है एनर्जी कैसे वो डाइजेस्टेड फूड रिलीज़ करता है हम इस टॉपिक में उसके बारे में पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन क्या होती है रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इन विच डाइजेस्टेड फूड वी ऑप्टेन थ्रू न्यूट्रिशन गेट्स ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेस्टेड फ़ूड हमारे ब्लड तक या बॉडी सेल्स तक पहुंची हैं वो डाइजेस्टेड फूड हम डाउन होकर हमारी बॉडी को क्या देती हैं एनर्जी देती हैं क्योंकि इन डाइजेस्टेड फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है क्लियर दिस पॉइंट रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको पता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस लाइफ प्रोसेस को इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते हैं ठीक इसी तरीके से हम आते हैं सेकेंड इसके बारे में सेकेंड बात इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बायोकेमिकल प्रोसेस की क्या मीनिंग होती है बायो की मीनिंग होती है एक ऐसी प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होती है केमिकल प्रोसेस एक ऐसी केमिकल प्रोसेस स्टूडेंट्स आप क्लास टेंथ में केमिकल चेंजेस केमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल चेंजेस फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेसेस का मतलब है एक तरीके की केमिकल रिएक्शंस बॉडी में चलती हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं उसी को हम कहते हैं बायो केमिकल चेंजेस या प्रोसेसेस सो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड एट ऑप्टिम टेम्परेचर इस बायोकेमिकल प्रोसेस को चलने में नॉट ओनली दिस बायो केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसिस चलते हैं वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में होते हैं और उन सब्सटेंसेस को हम एनजाइम्स कहते हैं एनजाइम्स क्या होते हैं ये तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एनजाइम्स एक तरीके के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को रेट को स्पीड तेज करते हैं और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं साथ ही साथ रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो या कोई भी लाइफ प्रोसेस हो वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही होती है अगर वो टेम्परेचर बॉडी में प्रोवाइडेड नहीं है तो ये प्रोसेसेस अफेक्टेड होती हैं तो सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस एंजाइम्स की मदद से होती हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट रेस्पिरेशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे इट इज अ catabolic प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड gets broken down डाउन in इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने इसमें क्या बताया कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में जो वो केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर चल रहे हैं अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस कहलाती हैं लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन होते हैं और नया चीज़ बनाते हैं नए सब्सटेंसेस बनाते हैं तो उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं रेस्पिरेशन के बारे में आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि रेस्पिरेशन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है इट मीन्स कि जब भी कोई चीज़ ब्रेकडाउन होती है तो उस पर्टिकुलर हम प्रोसेस को या रिएक्शन को हम कैटाबोलिक प्रोसेस या रिएक्शन कहते हैं तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है इस कैटाबोलिक प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड हमने न्यूट्रिशन में ऑप्टेन किया है वो डाइजेस्टेड फ़ूड बेसिकली हम ग्लूकोज की ही बात करेंगे वो ब्रेकडाउन होता है और वो ब्रेकडाउन ज़्यादातर ऑक्सीजन की ही मदद में होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी की बॉडी में ये ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के होता है और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम की बॉडी में डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मदद से होता है क्लियर तो हमने कौन सी तीन बातें पढ़ी हैं पहली चीज़ कि रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो हम लेते हैं न्यूट्रिशन में वो ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस एंजाइम्स की मदद से होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर परफॉर्म होता है तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है मींस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद वो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और जिन सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलती है उन सब्सटेंसेस को हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कहते हैं अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड के तौर पर अमेनो एसिड्स भी होते हैं यानी प्रोटीन भी होती है फैट्स भी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म uh, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज़्यादातर जो और सबस्ट्रेट होते हैं वो ग्लूकोज़ इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में जनरली जिस डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन लगातार चलता रहता है वो डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज ही होता है स्टूडेंट्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज के अलावा भी जितने भी डाइजेस्टेड फूड के सब्सटेंसेज हैं उनका भी ब्रेकडाउन होता है लेकिन कुछ कंडीशंस में होता है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं समझना केवल इतना समझना है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है वो होता है ग्लूकोज क्लियर ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच गेट्स ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी क्लियर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स इस केमिकल रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और जो कि बॉडी में होती है Glucose gets broken down. How many molecules of glu glucose? Only one molecule of glucose gets broken down with the help of six molecules of oxygen to produce six molecules of carbon dioxide, six molecules of water, and release energy. एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी की बात मैंने फोटोसिंथेसिस में भी की थी और एटीपी टी यहाँ पर भी डिस्कस हो रहा है एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं क्यों क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के समय ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी एक केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में स्टोर हो जाती है और उस केमिकल सब्सटेंस को उस केमिकल मॉलिक्यूल को हम एटीपी कहते हैं क्लियर दिस पॉइंट तो इस रिएक्शन में आपने देखा है कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं सिक्स मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने के लिए वन मॉलिक्यूल और क्या रिलीज होती है ए रिलीज होती है अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पर हाउ इज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू एंड गेट स्टोर्ड कि एनर्जी जब रिलीज होती है तो ए के फॉर्म में कैसे स्टोर होती है क्लियरली आप इसको समझ लीजिए पहली चीज़ तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बॉडी सेल्स में होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो सेल्स होती हैं वहाँ परफॉर्म होती हैं और सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी एक लो एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल होता है एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसमें एनर्जी होती है और वो एनर्जी का अमाउंट उसमें कम होता है जिसे हम एडिनोसिन डायफोस्फेट के नाम से जानते हैं आपको पता है आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा है कि सेल चैप्टर में जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर उस साइटोप्लाज्म में वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वैरायटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं उन केमिकल में एक लो एनर्जी कंटेंट केमिकल मॉलिक्यूल भी होता है जिसे हम ए या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं जब एडिनोसिन डायफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कॉम्बिनेशन इसका होता है अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है जब रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस चलती है तो एनर्जी रिलीज होती है जिस वक्त फूड डाइजेस्ट होता है सॉरी ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक सब्सटेंस के फॉर्म में रिलीज होती है जिसे हम इनोगेनिक फॉस्फेट कहते हैं और इस इनोगेनिक फॉस्फेट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रेस्पिरेशन के समय रिलीज़ हुई है अब ये रिलीज हुआ केमिकल जिसमें एनर्जी है वो एक और केमिकल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सेल के साइटोप्लाज्म में, उसके साथ कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके इसमें अपनी एनर्जी को ऐड कर देता है और इसके कॉम्बिनेशन से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम ए टी पी कहते हैं ए डी पी डाई फॉस्फेट है यानी फॉस्फेट के टू मॉलिक्यूल्स हैं इसमें और ए टी पी ट्राई फॉस्फेट है इसका मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप के थ्री मॉलिक्यूल्स हैं और उस थ्री मॉलिक्यूल्स में जो वन मॉलिक्यूल फॉस्फेट का आया है वो क्या लेकर आया है एनर्जी लेकर आया है इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर सेल में जब एटीपी बन जाती है तो ये एटीपी स्टोर हो करती है एनर्जी को खुद में ये स्टोर करती है एनर्जी को इसीलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे जितना हो सकता था आपके लेवल पर आपको जितना पता होना चाहिए वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है अब जब भी किसी लिव ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी सेल्स को होती हैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए तो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है फिर से ये प्रोसेस रिवर्स होती है एटीपी का जब ब्रेकडाउन होता है तो वापस से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है एनर्जी लेकर रिलीज होता है और ये अपनी एनर्जी किसी अदर सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है इस तरीके से जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स को बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस ए का ब्रेक का ब्रेकडाउन होता है क्लियर टू एवरी अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उस फूड से एनर्जी रिलीज होती है लेकिन रेस्पिरेशन की ये जो स्टेप होती है ये टू स्टेप्स में परफॉर्म होती है एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग अनदर वन इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो इन दो स्टेप्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस टाइप की रेस्पिरेशन होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारी बॉडी फिजिकली इस प्रोसेस को परफॉर्म करती है इस प्रोसेस में होता क्या है जिन रेस्पिरेटरी गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि अगर रेस्पिरेटरी गैसेस की बात की जाए तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी रिलीज़ करती है रेस्पिरेशन के बाद तो मैं यहाँ पर उसी का डिस्कशन कर रही हूँ कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के समय हमारी बॉडी गैसेस गैसे का इन्हीं गैसेस का एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो गैसेज रेस्पिरेटरी गैसेस कही जाती हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की प्रोसेस के समय हमारी बॉडी इन गैसेस का क्या करती है एक्सचेंज करती है यानी एक ऐसी एयर अपने अंदर ले जाती है हमारी बॉडी जिसमें ऑक्सीजन रिच होती है और एक ऐसी एयर को आउट करती है हमारी बॉडी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है आपको ये पता है कि वी टेक एयर इन थ्रू आर नोज वी टेक एयर आउट थ्रू आर तो हम जो है इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे बस आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की प्रोसेस के समय एक स्टेप आती है ब्रीदिंग क्योंकि अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपने बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन कहीं से तो मिलेगा तो कौन सी प्रोसेस से मिलेगा ऑक्सीजन उन्हें ब्रीदिंग की प्रोसेस से मिलेगा जब यह ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी तो कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करेगी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेगी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होने के बाद कौन सी गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इस गैस को कहां से रिलीज किया जाएगा फिर से ब्रीदिंग की प्रोसेस के समय बॉडी से टेकआउट कर दिया जाएगा तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं पहली प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी इसको फिजिकली परफॉर्म करती है जिसमें केवल और केवल गैसेस का एक्सचेंज होता है या आप ये समझ सकते हैं कि पहले प्रोसेस जब शुरू होती है तो गैस अंदर ली जाती है ठीक इसी तरीके से हम इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं ब्रीदिंग भी कहते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम इस प्रोसेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जिन रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हुआ है वो रेस्पिरेटरी गैसेस कहां से एक्सचेंज हो रही हैं एक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और साथ ही साथ हमारी बॉडी से यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का यहाँ पर इन्वॉलमेंट होने की वजह से इस स्टेप को इस रेस्पिरेशन को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं क्लियर स्टूडेंट्स अब आते हैं सेकेंड वन पे सेकेंड वन इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन क्या होती है एक केमिकल प्रोसेस होती है केमिकल प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और ब्रोकेाउन इन साइड द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इसकी क्या मीनिंग हुई इसकी मीनिंग ये है कि इंटरनल रेस्पिरेशन के समय वो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट्स अगर आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वर्ड डिफिकल्ट लगता है तो आप यहाँ पर केवल ग्लूकोज को समझिए कि एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है या ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एड होना इसलिए यहाँ पर क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन

उसका इन्वॉल्वमेंट केवल हमारी बॉडी की सेल से होता है हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सेल से होता है इसलिए पहली चीज़ तो हम इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं और दूसरी चीज़ क्योंकि ये प्रोसेस सेल में ये स्टेप सेल में परफॉर्म होती है तो हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं यानी टू स्टेप्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है पहली स्टेप्स में ऑक्सीजन इन की जाती है फिर यही ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है सेल के अंदर सेल इस ऑक्सीजन की मदद से ve फूड को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ब्रेक डाउन करने से एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं बाय प्रोडक्ट्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अब जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई तो फिर वो कहाँ पर पहुँचा दी गई एक्सटर्नली एनवायरमेंट में पहुँचाई गई किस प्रोसेस से ब्रीदिंग की ही प्रोसेस से ब्रीदिंग की प्रोसेस में एक बार एयर इन की गई है जिसमें ऑक्सीजन थी और दूसरी बार एयर आउट की गई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी इस तरीके से ये दोनों ही प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होती हैं और रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं मेरे हिसाब से स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे इन चीज़ों को समझने में अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट कमेंट में मुझे बताइए मैं इसको सॉल्व करूँगी थैंक यू स्टूडेंट्स